अस्सलाम वालेकुम जनाब, हाउ आर यू? आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आई होप यू आर ऑल वेल। आज मेरी ड्यूटी इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर में है और अभी तक कोई केस नहीं आया, तो इस वजह से सोचा कि थोड़ा वीडियो बना दूं। और ये वीडियो एक इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं बना रहा हूं, खासकर जो देहाती इलाका है ना, इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर में तो एक केस आया छोटी बच्ची का, तकरीबन वो 8 या 9 साल की थी। तो उसके अटेंडेंट से हमने पूछा तो उन्होंने बताया कि ना ये बच्ची अपने मुंह में दरांती लिए, जिस तरह आप पिक में देख रहे हैं, लिए खड़ी थी नहर के किनारे के करीब, तो वहाँ कीचड़ थी और यूं ही वो कीचड़ में चली तो फिसल कर ये मुंह के बल गिरी और दरांती उसके दांतों के दरमियान अटक गई और फिर वो इधर इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर में आए। आप देख कर बहुत हैरान होंगे कि यार ये किस तरह स्टक कर गई इन बिटवीन द टीथ, और हम भी बड़े हैरान थे। ऐसे हमने निकालने की कोशिश की लेकिन हमारी कोशिश नाकाम रही, फिर उसको ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले गए, फिर बच्ची को हमने जनरल एनेस्थीसिया दिया, जनरल एनेस्थीसिया में फिर हमने उसका उसकी वो दरांती मुँह से निकाली, वो अभी आप इस वीडियो में भी देखेंगे। अच्छा, इस बारे में आपको थोड़ा अवेयरनेस देना चाहता हूँ कि आप चाहे देहात से बिलोंग करते हैं चाहे आप शहर से बिलोंग करते हैं, इस बात का लाजमी ख्याल रखिए कि दरांती चाकू से अपने बच्चों को लाजमी दूर रखिए, क्योंकि वो छोटे बच्चे होते हैं, उनको पता नहीं होता, वो दरांती को या चाकू को मुंह के अंदर डाल देते हैं, तो फिर वो जब अगर वो सपोज गिर पड़े कहीं पर या फर्श पर या इस तरह, जिस तरह कीचड़ था उस बच्चे का केस आया, तो इसमें बड़ा नुकसान हो सकता है। इंटरनल आर्गन जिस तरह टंग है उसको भी नुकसान हो सकता है, डैमेज हो सकता है। उसके अलावा टीथ, जिस तरह टीथ के अंदर वो स्टक कर गई थी, और उनको भी डैमेज हो सकता है। तो अवेयरनेस ये है कि प्लीज़ अपने बच्चों को इन चीज़ों से दूर रखें। ठीक है रख लो। वाह जी वाह, ये निकाल दी माशाल्लाह। दोनों दांत बचा लिए माशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से।